चूरू लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली सामान्य सीट है। चूरू को थार मरुस्थल का गेटवे भी कहा जाता है। यहाँ के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1977 में गठित इस सीट पर एक चुनाव छोड़कर हर बार जाटों का दबदबा रहा है। बस राजनीतिक दल ही बदले लेकिन उम्मीदवार जाट समुदाय का ही जीता। चूरू लोकसभा सीट पर अब तक हुए कुल 12 आम चुनावों में 5 बार बीजेपी, 4 बार कांग्रेस, 1 बार जनता पार्टी, 1 बार बीएलडी और 1 बार जेएनपी का कब्जा रहा है। इस बार यहां से भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद राहुल खसवा पर विश्वास जताया है। वहीं कांग्रेस से रफीक मंडेलिया मैदान में है। अनिल जी, सीट पर किस तरह आप कहेंगे, यहां पे किसका आपको पलड़ा भारी दिखता है? देखिए, वैसे तो ये सीट जाट ओरिएंटेड सीट है पूरी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब तक जीते उनमें दौलत राम सारण ने 77 में सबसे पहले चुनाव जीता यहाँ से। केंद्र में वो खान मंत्री बने, कोयला मंत्री बने, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। बड़े दिग्गज थे जाट राजनीति के, कुंभाराम आर्य, दौलत राम सारण। अब दौलत राम सारण जो है, दो बार तो लगातार बने एमपी सांसद यहाँ से, तीसरी बार वो मोहन सिंह से चुनाव हार गए कांग्रेस के, लेकिन बाद में एक बार नरेंद्र बुढ़ानिया एमपी बन गए, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिर दौलत राम सारण बन गए एक बार एमपी। दौलत राम सारण तीन बार यहाँ सांसद रहे और नरेंद्र बुढ़ानिया भी तीन बार सांसद रहे यहाँ से। राम सिंह कस्वा जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस से थे, राम सिंह कस्वा ने एक बार नरेंद्र बुढ़ानिया को हराया। राम सिंह कस्वा दो बार खुद भी हारे नरेंद्र बुढ़ानिया से, उसके बाद लगातार तीन बार राम सिंह कस्वा सांसद रहे। उससे पहले एक बार रह चुके, चार बार सांसद रहे कुल राम सिंह कस्वा यहाँ से, चूरू से। और चूरू एक तरह से राम सिंह कस्वा के की पारिवारिक सीट जैसी हो गई है जी। उनकी पत्नी भी जिला प्रमुख, एमएलए, कभी बेटा फिर सांसद बन गया पिछली बार राहुल कस्वा, राम सिंह कस्वा की जगह, और बेटे को फिर टिकट दे दिया। तो चार बार तो ये परिवार से जीत गए, एक बार पहले राम सिंह कस्वा जीत गए, पाँच बार जीते और दो बार हारे जी। तो सात बार तो इनके परिवार चुनाव ऐसे लड़ लिया गया, आठवीं बार फिर लड़ रहा है बेटा। तो इस तरह पिछले सात आठ चुनाव से तो राम सिंह कस्वा राम सिंह कस्वा है, हारे चाहे जीते। और नरेंद्र बुढ़ानिया थे, अब नरेंद्र बुढ़ानिया सीन पर नहीं है, उनकी बजाय रफीक मंडेलिया को टिकट दिया गया। रफीक मंडेलिया मकबूल मंडेलिया के बेटे हैं और बड़े बिल्डर हैं बॉम्बे में, और यहाँ पर वो काफ़ी अपना हस्तक्षेप रखते हैं राजस्थान की राजनीति में। और मकबूल मंडेलिया भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं विधायक का, ये दोनों पिता पुत्र यहाँ चुनाव लड़ते रहते हैं मतलब कांग्रेस की टिकट पे। तो अभी रफीक मंडेलिया अगर वोट पोलराइज हो जाते हैं जैसी बीजेपी कोशिश कर रही है तो रफीक मंडेलिया के लिए मुश्किल होगी। पर बीजेपी में भी अंतर्विरोध है, राम सिंह कस्वा के परिवार के वर्चस्व से परेशान होने वाले लोगों की कमी नहीं है बीजेपी में जी। राहुल कस्वा की खिलाफत हो सकती है बीजेपी के भीतर भी, क्योंकि लगातार 6-8 चुनाव इनके परिवार में टिकट जाने से दूसरे जो एस्पिरेंट हैं, जो पार्टी में दूसरे लोग हैं, खासतौर पर राजेंद्र सिंह राठौड़ का गुट बीजेपी के भीतर, वो तैयार भी नहीं थे इस बार जो राहुल कस्वा को टिकट देने में, वो बिल्कुल सहमत नहीं थे जी। और उनके साथ के लोग दोनों वजह से, देखिए ये जो जाट और राजपूत शेखावटी में है वो अक्सर साथ नहीं रहते हैं, अक्सर एक तरफा वोट नहीं करते, तो इसलिए राजेंद्र सिंह राठौड़ एमएलए चूरू से बनते हैं भले ही वो अपने व्यक्तिगत वर्चस्व की वजह से, और वो कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ जीतते हैं तो कई बार तो कांग्रेस प्रत्याशी मुस्लिम होता है, या कई ऐसी परिस्थिति आती है कि जाट समुदाय के कुछ लोगों को उनको वोट देना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन वहाँ पर जो गैर जाट मतदाता है भाजपा का जी, उसके मन में भी इस वक्त तसमसाहट है, और राजेंद्र राठौड़ ने शुरू में ही अभिव्यक्त कर दिया था कि वो इस बात से सहमत नहीं है कि लगातार आठवीं नौवीं बार भी इसी परिवार में टिकट दिया जाए। लेकिन चूंकि सिटिंग एमपी थे राहुल कस्वा, नौजवान थे जी, और राम सिंह कस्वा तीन बार चार बार एमपी रह चुके, तीन बार लगातार, उससे पहले एक बार इनकी मदर भी चुनाव जीत चुकी, तो इनकी पारिवारिक वर्चस्व को देखते हुए भाजपा का साहस नहीं था कि इनका टिकट काटा जाए। तो राजेंद्र राठौड़ की नाइत्तफाकी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में ये टिकट दिया गया निवर्तमान सांसद को, नौजवान है,
और दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रफीक मंडेलिया, अगर चुनाव जाति धर्म के आधार पर नहीं होते हैं, चुनाव इन जनरल होते हैं पार्टी के आधार पे, तो इस वक्त चुरू में रफीक मंडेलिया टक्कर दे सकते हैं, ऐसा चर्चा में आ रहा है। अभी ये कहना मुश्किल है कि अदर देन जाट वोट क्या जाति के आधार पर वोट देगा या मोदी या ना मोदी इस आधार पर वोट देगा, किसी के मन में घुस के कुछ नहीं देखा जा सकता। अगर जाति के आधार पर वोट पड़ेगा तो जाट वोट एक तरफ पड़ेंगे तो गैर जाट शायद यूनाइट हो जाएं रफीक मंडेलिया के साथ इस कस्बा परिवार के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए। और ऐसा नहीं होगा, मोदी ना मोदी होगा तो फिर लोग जात पात कुछ नहीं देखेंगे और राहुल कस्बा का साथ देंगे, उस स्थिति में रफीक मंडेलिया के लिए मुश्किल होगा चुनौती दे पाना। जी, तो हो भी सकता है कि इस बार टक्कर हो तो कुछ नतीजे दूसरे भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, हो सकता है, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है वहाँ पे जी। कई बार ऐसा होता है कि लगातार लंबे समय तक एक परिवार या एक जाति के लोग चुने जाते हैं, टिकट मिलता है, तो फिर अदर कास्ट के लोग कसमसाते हैं और वो पोलराइज होने लगते हैं उसके सामने। जी, फिर जिताने के लिए वोट नहीं देते किसी को, किसी को हराने के लिए वोट देते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि चाहे जो जीत रहा हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, क्या धर्म, क्या जाति, क्या संप्रदाय, कुछ नहीं देखता आदमी, किसको हराना है उसके लिए वोट देता फिर। जी, चलिए, यहाँ पर भी 6 मई को मतदान होगा।